कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन तुम लोग से कैसे पूछे था। सपोज बोला कि 10% बाय मास NaCl सॉल्यूशन इन वाटर और 10% परसेंट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो देखो ये जो परसेंटेज फर्स्ट लिखा हुआ रहेगा, ये परसेंटेज मेरा शो कर रहा है फॉर द सॉल्यूट। ठीक है, 10% जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये डिनोट करता है टू फॉर द सॉल्यूट। तो 10% मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इसमें आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या बोले थे, 10% मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा 100। ठीक है, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बनेगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट बना 10, मास ऑफ सॉल्यूशन बना 100, तो सॉल्वेंट कितना बनेगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 का। ठीक है, तो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे था कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% बाय मास NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, या फिर डायरेक्ट बोल देगा 10% बाय मास एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब पता चल ही रहा है कि वहां पर मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर नहीं लिखते, डायरेक्ट एक्वस बता देगा। क्या लिखना है कि 10% बाय मास एक्वस NaCl सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन का मास होगा मेरा 100 और उसमें से 10 होगा सॉल्यूट का, 90 होगा सॉल्वेंट का। ठीक, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए क्या क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन रहा था कि देखो 25 ml ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन 75 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट किस परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो देखो ऊपर में कितना आएगा, क्या बोले थे, फर्स्ट जो भी दिया हुआ रहेगा वो परसेंटेज में जो फर्स्ट रहता है वो होता है सॉल्यूट के लिए, कितना परसेंट मेरा सॉल्यूट है ये वाला। यहाँ पर बोल ही दिया है कि 25 ml ऑफ एल्कोहल 75 ml ऑफ वाटर, बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, एल्कोहल प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सो दिस इज सॉल्यूट दिस इज सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना 25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 25 + 75 दैट इज 100, इंटू 100 करेंगे तो वो मेरा परसेंटेज आएगा, तो मेरा कितना परसेंटेज हुआ 25%। सिमिलरली अगर पूछे जाते व्हाट डू यू मीन बाय 25% ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन, तो आंसर यही होगा। ठीक है, कि 25 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 75 ml ऑफ वाटर टू मेक 100 ml ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। सर प्लीज रोटेट द स्क्रीन वाला एक और बार दिखाइए ना सर, पेज विजिबल नहीं है। कौन सा बोले, सर मास वाला सम, मास वाला सम ये रहा, ये वेटिंग रूम के चक्कर में बार बार स्क्रीन रोटेट हो जा रहा है और कुछ नहीं। जब जब एडमिट करने के लिए हम वापस जा रहे हैं तो है।
नोट डाउन चलो, इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो तब पे डाउट है तो पूछो, और नहीं तो नोट डाउन चलो जल्दी से। सर अगर मास अगर सॉल्यूट अगर मास में रहेगा और सॉल्वेंट अगर वॉल्यूम में रहेगा तो क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब ये मास परसेंटेज वर्क सिर्फ दोनों मास में है, दोनों वॉल्यूम में है, वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर सॉल्यूट मास सॉल्वेंट वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। सर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 90 ग्राम, उसके बाद क्या लिखे है? बस यही लास्ट है। ओके सर। सर सो ये जो डिपेंडेंट बाय मास एनएसीआई ये सब क्या क्वेश्चन है सर? हाँ मतलब एग्जांपल जैसे मास परसेंटेज में क्वेश्चन ऐसे पूछा था, तुमसे पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% by mass initial solution, what do you mean by 10% aqueous initial solution, तो ये रहा उसका आंसर, ये सब क्वेश्चन हुआ। यस सर नोटेड। ओके सर प्लीज वेट अ सेकंड। Then, sir. Okay. Okay. नेक्स्ट दे तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सिंपली, इससे हम तो ये पता चलता है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट नेसेसरी टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इस कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अभी बहुत बार सॉल्युबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि उसमें कितने एक सॉल्यूशन में कितने परसेंट मेरा सॉल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज ऑल्सो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब बेसिकली मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, वही होता है मेरा सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर बहुत बार हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे सब्सटेंसेस होता है 20% सॉल्युबल, 30% सॉल्युबल, और कोई 100% सॉल्युबल, ठीक है। तो 100% सॉल्युबल मतलब हम लोग जितना सॉल्यूट लिए वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, लाइक सॉल्ट इन वाटर, जितने भी सॉल्ट लेते वो डिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर मान लो हम लोग उसमें ऐसे कुछ सब्सटेंस डाले जो कि पूरे सॉल्युबल नहीं हुआ, तो दैट इज पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है। तो जितना डिजॉल्व होगा वो होगा उसका सॉल्युबिलिटी, इधर इट विल इट इज 20%, 30%, 40%, व्हाटएवर। तो सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने अमाउंट मैक्सिमम प्रेजेंट है वो होगा मेरा सॉल्युबिलिटी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी का ऊपर कुछ कंडीशन है जिसके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिन चलो, दो कंडीशन बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी। तो हम लोग तो अलग अलग केसेस के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें से क्वेश्चन हम लोग ज्यादा आते हैं वो डिस्कस हो रहा है। सॉलिड इन ना मां चलिए सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अच्छे से याद करो, मान लो हम लोग 1 liter ऑफ वाटर है, इसमें शुगर ऐड कर दें, ठीक है, दिस इज कोल्ड वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर, और एक है हम लोग नीचे से बर्नर के थ्रू उसको हीट कर दें, ठीक है, बर्नर के थ्रू इसको हीट कर दें स्टोव से, हॉटेड वाटर है, ठीक है, दिस इज हॉट वाटर। अभी बताओ किसमें शुगर जल्दी से डिजॉल्व होता है, कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर? सर हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। व्हाई सर? मतलब क्या हो रहा है कि जब हम लोग हीट सप्लाई किए तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इंक्रीज हुआ, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ है तो हम तो पता है कि वाटर हैव बीन सम फ्री स्पेस। अभी कोल्ड वाटर में क्या हुआ, शुगर जो दिया शुगर पहले नीचे जाते, यहाँ नीचे जाते, नीचे वाले पोर्शन में जो वाटर था उस वाटर का वैकेंट स्पेस में ये शुगर डिजॉल्व हुआ, लेकिन ऊपर वाले वाटर में अभी डिजॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए हमको स्टारिंग करना पड़ा था। हॉट करने पर क्या हो रहा है, हीट सप्लाई करने पर कि मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक मूव कर रहे, तो ऊपर वाला वाटर नीचे आ रहा है, नीचे वाला वाटर ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल ऑल दी वैकेंट स्पेसेस कैन ऑक्यूपाई और कैन ऐड अप दिस शुगर इन इट, ठीक है। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो कि मेरा सॉल्युबिलिटी है फॉर सॉलिड इन लिक्विड, वो मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बाय द अप्लाइंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल इंक्रीज इन विल इंक्रीज इन increase with increase in temperature generally, ठीक है, generally कुछ exception भी है जहाँ पर temperature increase करने पर solubility बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है, generally ये होता है। क्यों होता है पता है, due to the kinetic energy and movement of the पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ जो एक्सेप्शन है कि मेरा सॉल्युबिलिटी बढ़ने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, देखो पेज ओवर हो गया, ये नोट डाउन किया यहाँ पर,
सॉल्युबिलिटी से यहाँ तक नोट डाउन हुआ? हाँ सर। यस सर। ओके। हाँ सर। जो एक्सेप्शन बोल रहे हैं, एक्सेप्शन क्या है कि मेरे पास मान लो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, हाइड्रेटेड। ये एग्जांपल्स तो याद रखना, कैल्शियम सल्फेट जो हाइड्रेटेड है, ठीक है, और सीरिया सेरिक सल्फेट, ठीक है, सेरिक सल्फेट। सेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होता है सीरियम, ठीक है, Ce2SO4 होल थ्राइस। फिर जाता है स्क्रीन पर ऊपर करिए ना सर, स्क्रीन पर ऊपर पहले मतलब सर ऊपर वाला पार्ट में दिख नहीं रहा है, यही फर्स्ट लाइन है ऊपर वाला पार्ट वाला। हाँ, ये ऊपर okay. वाला नहीं है, तुम लोग का ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर लास्ट ये लिखे ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल इंक्रीज जनरली, तो ये जनरल हुआ। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग मान लो कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब मेरा क्या होता है, ये सब इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घटता है, तो उसी का एग्जांपल लिखा दें कि कैल्शियम सल्फेट, सेरिक सल्फेट, उसके बाद होता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का क्या फॉर्मूला है? CaCO3। CaOH होल टू। ठीक है, ये सब का क्या होता है, और एक ग्लोबल सॉल्ट याद रखना, ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट दैट इज Na2SO4.10H2। ये सारे सब्सटेंसेस का क्या है, दो सब्सटेंसेस For those substances, solubility will increase at first, and after a certain time. It decreases with further increase in temperature. ठीक है, मतलब further increase in temperature के बाद एक certain time के बाद वो decrease करने लगते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा क्यों होता है? जनरली ये होता है हाइड्रेटेड वाला कंपाउंड्स में होता है, ठीक है, क्यों होता है देखो, जब हायर टेम्परेचर में हीट कर देंगे ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड है वो इवापोरेट हो जाएगा, इसलिए और सॉल्युबल नहीं होता है, वो डीके करने लगता है, ठीक है। तो जनरली मेरा सॉलिड बिफोर 8 AM आई विल लीव द क्लास। तो जनरली सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, और जो एक्सेप्शन है वो बता दिए, ये लोग क्या होता कि मेरा पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। NaCl जो हम लोग का कॉमन सॉल्ट है वो क्या करता है, उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट हाँ 1 या 2% ही इंक्रीज करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
ये एग्जाम्पल से याद रखना कि किस तरह सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ता है बाद में घटता है, ऐसा नहीं है कि घटेगा तभी नहीं, बढ़ेगा पहले और उसके बाद घट सकता है, बट पहले से ही घटते रहे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो प्रीवियस पेज में सात पर बेटा बताओ, ये था प्रीवियस पेज, देखो जस्ट सेकंड सर, देन सर थैंक यू। प्रेशर का क्या इफेक्ट देखो सर, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज एट, ये बात क्या लिखे हैं, एट फर्स्ट मतलब पहले बढ़ेगा एट फर्स्ट, ओके सर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid remains unaffected by the change of pressure. Pressure को increase कर लो या decrease कर लो, solid का solubility in liquid कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड अनअफेक्टेड चेंज ऑफ प्रेशर, क्यों बिकॉज हम लोग प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलिड मेरा कंप्रेस थोड़ी होता है। ठीक है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर डालेंगे तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और टेम्परेचर लो करेंगे तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी घटेगा। और भी बहुत छोटे छोटे पोर्शन से सॉल्युबिलिटी का, आज तो सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड का हुआ, नेक्स्ट डे और भी कुछ पोर्शन एंड गैसियस इन लिक्विड वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस तू ले ज्वाइन करो क्लास, यहीं पर रख ले, कोई डाउट है आज की क्लास में तो बोलो। नो सर, ओके वेरी गुड। इवनिंग वाले क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है सर, ये चैप्टर शुरू हुआ है, ये चैप्टर से स्टार्ट कर रहे थे सॉरी सर, यही सर, अच्छा यही चैप्टर सर स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है स्टार्ट करा है कल, ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके सर नोट डाउन हो चुका है, यस यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके thank you and bye sir, okay bye, thank you sir, welcome, bye, thank you sir, thank you sir, welcome, bye bye sir, thank you sir, bye sir, bye.